अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपको मैं डिज़ाइन बताने लगी हूँ, अम्ब्रेला कटिंग मैं डिज़ाइन करूँगी। अम्ब्रेला मैं ऑलरेडी कट कर चुकी थी। अगर आपको अम्ब्रेला की कटिंग नहीं आती तो किसी वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला की कटिंग भी बता दूँगी। ये देखिए, ये अम्ब्रेला कट हुआ हुआ है। अब इसको हमने ऐसे करना है कि इस तरह करके इसकी कटिंग करनी है मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए। और डिज़ाइनिंग के लिए मैं इसको ऐसे करूँगी कि टेलर चाक की हेल्प से यहाँ से हम बिल्कुल कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको कट करने लगी हूँ, ठीक है। ये इस तरह बिल्कुल करके कट कर लेते हैं। पहले हम मार्क कर लेंगे, मार्क करके फिर हम इसको कट कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ठीक है। और इसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंच, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है। यहाँ से हमने कट कर लेना है। कटिंग करके अरे मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 पार्ट्स को हमने कटिंग करना है। अब मैं इसके अंदर सीढ़ी लैस लगाऊंगी, ये वाली पिंक सीढ़ी लैस लगाऊंगी इसके अंदर में, ये वाली पिंक सीढ़ी लैस लगाऊंगी। और ये जो है फ्रंट में मैं नेट यूज़ करूंगी, ठीक है। नेट आप मार्केट से ले सकती हैं, इसलिए किसी भी किस्म, ज़रूरी नहीं है ये नेट ले, किसी भी कलर की किसी भी किस्म की आप ले के इसमें डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कट करना है आपका। देखिए, ये फ्रंट में मैं करूँगी ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरह। अब इसके बीच में मैं इसको अटैच करूंगी इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ इसके साथ इसके हाथ अटैच करके अभी इसकी फाइनल लुक मैं आपको दूंगी। ये हो गया। इसके बाद ये जो पार्ट है बैक साइड पे मैं इसकी नेट यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। अब मैंने इसकी ऊपर पार्ट में कटिंग कर लिया है। ये देखें, एक एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। इसको मैंने इस तरह करके कटिंग की है। ये इसका बैक पार्ट है, मेरा बैक पार्ट है ये, और इसकी मैंने कटिंग की है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका मैंने फ्रंट कटिंग में इसको यूं करके इस तरह करके, तो यहाँ से सीजर से कट किया है, कट करके इसके ऊपर इस तरह करके रख दिया है, इस तरह करके रख के, तो यहाँ से फिर मैंने इस तरह कट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक और ट्रिक यूज़ किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये स्ट्रिप लगाऊंगी, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगी ये वाली, ठीक है। इसके अंदर ये स्ट्रिप लगेंगी, ये भी स्ट्रिप यहाँ लग जाएगी, ठीक है। ये हमारी डिज़ाइनिंग तैयार हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। और अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं लगाऊँगी ये वाली नेट, नेट लगेगी जी इस तरीके से, इस तरीके से इसके ऊपर नेट लगाऊँगी यहाँ से कट करके, इस तरीके से नेट लग जाएगी, ठीक है। नेट की कटिंग अभी मैं नहीं कर रही, जो मैं स्ट्रिप इसके साथ अटैच करूँगी इसके ऊपर रख के तो कटिंग कर लेती हूँ। ये अभी आपको दिखाने के लिए अगर चाहें तो मैं कट कर देती हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रिप लगानी है। यहाँ ये स्ट्रिप दो कटिंग की है मैंने, ये स्ट्रिप है, ये दो स्ट्रिप कटिंग की है यहाँ पे लगाने के लिए और यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद ये स्ट्रिप इसके साथ अटैच होंगी, बीच में इसके लगा के इस तरीके से अटैच हम करेंगे, ठीक है, दोनों साइड पे। और ये वाली जो है ये इसकी बैक साइड पे अटैच करेंगे, ये हो गया। अब मैं करके तो आपको बताती हूँ साथ साथ कैसे करेंगे, कैसे स्टिच करना है। ये अब ये फाइनल लुक में आ चुका है, ये देखें। इधर मैंने इसकी नेट यूज़ की है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऊपर वाली पेटी है इसके ऊपर भी मैंने नेट यूज़ की है। ये अम्ब्रेला टाइप बनाया है फ्रॉक, और इसकी जो पाइपिंग है ये मैंने घर में खुद बनाई है, पाइपिंग खुद बना कर लगाई है। और बैक साइड पे मैंने ये सीढ़ी लेस लगा के ये डिज़ाइनिंग कर ली है। ये लें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।